वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो गाइस, मैं और माधव घूमने के लिए निकला, तो आज दिखाने वाला हूँ आज शिवाजी महाराज जी के पुतला। यहाँ पे बहुत अच्छा है दिखने में, जल्दी जाता हूँ वरना फिर वो हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो फिर पता नहीं कैसा लगेगा दिखने में। तो रात में तो गया नहीं, देखा नहीं मैंने, दिन में गया तो अभी जाकर देखता हूँ कैसा लगेगा। ठीक है, चलिए गाइस हमारे साथ बने रहे। चलो गाइस, ये देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा दिखने में। देखो यहाँ पे दिन में तो बहुत ही अच्छा दिखता है, बट रात में तो मेरा अच्छा दिख रहा है, बट मेरा फ़ोन में इतना अच्छा वीडियो नहीं बन पा रहा है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि रात का है और वीडियो देखो उतना साफ नहीं आ रहा है। जितना अच्छा दिख रहा है ना मेरे को ऐसे ही, इतना अच्छा वीडियो में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइस, बट हाँ बहुत अच्छा बना है, देख सकते हो उधर शिवाजी महाराज जी का बीच में दिया है और चारों ओर से घोड़ा है, उसका सैनिक है ऐसा, और बाहर का यहाँ पे अभी हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसको देख के समझ सकते हो ये। तो गाइस, आपको पता ही होगा शिवाजी महाराज जी के बारे में, आपको तो इसके बोलने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में। मुंबई में बहुत ज़्यादा इनका नाम चलता है, फेमस है मुंबई में तो, और हर जगह फेमस है वैसे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुंबई में फेमस है। और मुंबई के ऐसे ऐसे चौक आपको मुंबई में कई देखने को मिल जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पे चेंबूर में भी है, वैसे आपको बाहर में भी बहुत सारे मिलने वाले देखने को। ये देखो तो शिवाजी महाराज को देख, अगर दिन होता तो आपको जरूर दिखाई देता, पर दिन नहीं है तो वो साइड तक दिखाई नहीं दे। कोशिश करूंगा मैं उस साइड से भी दिखाऊंगा कि यहाँ पूरा, इसका नाम है श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चौक इसका नाम है। हेलो गाइस, आपको हमने दिखाया है छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चौक में ही तो शिवाजी महाराज यहाँ पे उनका मूर्ति लगा है। आप देखते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट की जरूरत है, अगर आप अगर आपके आस पास रहते हैं तो कमेंट की जरूरत है ना, और आप नहीं कभी आए तो कभी आना और देखना चेंबूर में आके आप जरूर बोलते हो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का चौक देखना, तो यहाँ पे आपको छोड़ देगा, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 रुपए लेगा चेंबूर स्टेशन से। Thank you.
गाइस बहुत दिनों के बाद हम लोग घूमने निकले, बारिश नहीं हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं पूरा सूखा सूखा है, लाइट कभी कभी बंद हो रहा है चालू हो रहा है, इसलिए अच्छा वीडियो भी नहीं आ रहा होगा मेरा। गाइस ये देखो गदर 2 मूवी लगी है हमारे यहाँ पे थिएटर में, और हमारे ये थिएटर जो है हमारे यहाँ से अपने रूम से कम 2 मिनट चलना पड़ता है। तो ये थिएटर, ये देखो ये जो थिएटर है मूवी टाइम क्यूबिक मॉल, ये है अपना थिएटर अपना पास में रही है। तो इसमें अभी गदर 2 मूवी लगी है, कभी काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन 3-4 दिन से हम देख रहे हैं इसको। गदर 2 मूवी लगी है यहाँ पे, काफ़ी लोग आ रहे हैं देख रहे हैं मूवी। देखो ये लोग आए हैं, ये लोग जा रहे हैं ना, इधर से जाने का रोड है। तो गाइस मैं लीची वाला ड्रिंक ले रहा हूँ, अभी पीते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। बहुत अच्छा है, ये देखो ये आप भी खरीद के कभी टेस्ट करके देखो कैसा लगता है। बहुत अच्छा है। हेलो गाइस, बहुत गर्मी लग रहा था तो मैं नहा के आया अभी। और तो वैसे आपको जो बात बोलना था वो ये है कि आज का ब्लॉग जो मैंने बनाया ना, मैं आपने देखा होगा मेरे हाथ में एक माइक है भाई। गाइस मैं ये माइक मैंने पहली बार मंगवाया है और मंगवा के वीडियो बनाया, फर्स्ट वीडियो नहीं सेकंड वीडियो है। पर जैसे मैंने इसको क्राउड में लेके गया तो ये अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो मुझे बहुत सारे वीडियो में वॉइस ओवर देना पड़ा। ये है कि अभी नेक्स्ट तो हम जल्दी नहीं मंगवाएंगे माइक, देखेंगे फिर अभी इसी से करेंगे, जैसे भी होगा हम इसी से करेंगे अभी। और दूसरी चीज़ ये है कि गाइस ब्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बाहर जाने को नहीं हो रहा है, क्योंकि मंदिर में सेवाएँ इतने हैं बाहर जाने को नहीं हो रहा है। दिखाऊंगा मुंबई के बारे में और भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल पे करके रखें, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।